हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक और नई रेसिपी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें ये आधा कप हमने बेसन लिया है, एक चम्मच अजवाइन है, हाथों से रगड़कर अजवाइन को हम बेसन में डाल देते हैं, आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे, चौथाई चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक, एक बड़ा चम्मच हमने इसमें तेल भी डाला है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन में। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक हम हार्ड डो तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी आप इसमें मत डालिएगा, नहीं तो आपका डो गीला हो जाएगा। दो बड़े चम्मच पानी से ही ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया और इसे हमने थोड़ा सा हार्डी बनाया है। अगर डो गीला होगा तो ये ज़्यादा ऑयल पिएगा, इसलिए डो को आप थोड़ा सा हार्डी रखिएगा। इसकी एक लोई हमने देखिए इस तरह से बनाकर तैयार कर ली। चकला लेंगे, चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा हमने लगाया है। अब इसको हम बेल लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये बेल जाता है और इसे उतना ही पतला आप बेलिए जितना कि आप रोटी बेलते हैं। ये देखिए इसे हमने बेल लिया है। अब इसमें हम कट के निशान लगा देते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े पीस हम नहीं करेंगे इसके, छोटे छोटे पीस ही हम इसमें करेंगे। ये देखिए हमने इतना पतला इसे बेला है। सभी के हमने पीस करके रख लिए हैं। इधर कढ़ाई में हमने दो बड़े चम्मच तेल डाला है। चलिए तो पीसों को डाल देते हैं। और देखिएगा दो मिनट में ही ये बिल्कुल तल जाएंगे और फूल भी जाएंगे। इन्हें तलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और ऑयल भी ये ज़्यादा नहीं पिएंगे। ये देखिए ये फूलने लग गए, सारे पीस तलकर तैयार हो गए। ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है, हल्का सा कलर आते ही हम इसको निकाल लेते हैं। सभी को हमने निकाल लिया है और कढ़ाई का एक्स्ट्रा तेल भी हम निकाल देते हैं। ये प्याज है जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में अलग अलग स्लाइस में काट लिया है और उसी में हम शिमला मिर्च डाल देंगे। एक शिमला मिर्च थी, इसको भी हमने चौकोर टुकड़ों में बड़ा बड़ा ही काटा है। एक मिनट के लिए इन्हें हम फ्राई करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई का तेल हमने निकाल लिया है। इस समय कढ़ाई में सिर्फ एक चम्मच तेल रह गया है। सब्जी हम इतने ही तेल में बनाकर तैयार करेंगे। तेल गरम है, इसमें एक चम्मच हम जीरा डाल देते हैं, चुटकी भर हींग। ये एक प्याज था जिसको बारीक चॉप कर लिया है हमने, इसको भी डाल देते हैं। और चलाते हुए प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज बढ़िया भुन चुका है, अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल दी है। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे हमने कलर के लिए डाला है। मसालों को भी प्याज के साथ एक मिनट के लिए हम भून लेते हैं। ये दो टमाटर की प्यूरी थी, इसमें हमने एक हरी मिर्च भी पीस दी थी, इसको भी डाल देते हैं। और टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम भूनेंगे। एक चम्मच इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाला है।
हम इसे पहले डालना भूल गए थे, आप जब प्याज भूने तभी इसको साथ में डाल दीजिएगा। टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लिया है। थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ, ये भी भुन जाएगी। ग्रेवी के लिए इसमें हम पानी डालेंगे, यहाँ हमने 1/2 गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल दिया है। नमक डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी में भी हमारे उबाल आ चुका है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज डाल देते हैं। 1 मिनट के लिए चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब जो हमने बेसन के पीस फ्राई किए थे उनको डाल देंगे। बेसन के पीस डालने के 20-25 सेकंड के लिए हम इसे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। हमने इस सब्ज़ी में ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, अगर आप ग्रेवी चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी और कर लीजिएगा। बेसन के पीस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए आप इन्हें सबसे एंड में डालिएगा। चलिए तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बेसन और शिमला मिर्च से कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। ये सब्ज़ी पनीर से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे लंच या डिनर किसी में भी बनाकर रोटी के साथ खा सकते हैं। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।